अब देखिए आपका पार्ट 5 जा रहा है हाई स्कूल का, 10th का फिजिक्स है। इसमें चालक को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता रहे हैं हम आपको। कौन कौन से लोग चालक के प्रभावित कर देते हैं? एक है सबसे पहले चालक की लंबाई, दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं, है ना, किसी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं कि चालक की लंबाई बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, यहाँ चालक का प्रतिरोध है, चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है, सॉरी है। तो लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी R प्रोपोर्शनल L होता है। यानी जितना लंबाई बढ़ाते जाएंगे किसी चालक का, उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक ही पदार्थ का आप चालक ले लीजिए 2 मीटर, उसको उठा के अगर 4 मीटर कर देते हैं, तो यहाँ अगर R1 इसका प्रतिरोध है, इसका R2 प्रतिरोध है, तो R1 का मान जो होगा R2 से कम हो जाएगा, यानी जिसकी लंबाई बढ़ाए हैं आप उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ पे है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध R, ठीक है ना, घट जाता है, और घटाएंगे यदि, अगर क्षेत्रफल घटाते हैं और क्षेत्रफल यदि घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। है ना, ठीक है। चालक का अगर मोटाई आप बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल का मतलब मोटाई अगर बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि R इन प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये अनुक्रमानुपाती था, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज है ताप का प्रभाव, यह हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा क्लियर किए थे। ताप का प्रभाव जो होता है प्रतिरोध पे, याद रखिए चालक का ताप यदि बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है ना, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये चालक के लिए है। यहाँ चालक का जो अर्थ होगा हमारा, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ऐसे लोगों के लिए, लोहा है, इसी में अगर कुचालक लेते हैं आप, कुचालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है,
लेकिन इसके जो घटने की प्रक्रिया है वो होती है मिनिमम, यानी नगण्य घटता है। नगण्य घटता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे चालक का ताप बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसी तरह कुछ चालक का ताप बढ़ाने पर घटता है। एक और चीज़ होता है अर्धचालक। अब सुचालक में कौन कौन से लोग आते हैं वो भी आप समझ लीजिए। जैसे सूखी लकड़ी है, ठीक है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है ना, ये सब आपके कुचालक बोले जाते हैं। अर्धचालक जो बोले जाते हैं, चलिए पहले अर्धचालक से क्या होता है ताप का प्रभाव। देखिए अर्धचालक चालकों के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है घट जाता है, है ना, क्या होता है, घट जाता है। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जान लीजिए कि अर्धचालक हैं कौन से। तो अर्धचालक होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जेनेनियम, ये सब आपके अर्धचालक बोले जाते हैं। अभी की स्थिति में अर्धचालक का प्रयोग बहुत किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, एलईडी वगैरह अर्धचालक के ही बने होते हैं। चलिए अब एक चीज़ और भी आप समझिए कि ताप जो बढ़ाते हैं हम, यहाँ जो ताप हम बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए जो सूत्र बनता है RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, R01 प्लस अल्फा टी, यानी कि ये इस सूत्र की सहायता से किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता जाता है। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि सबसे सुचालक है ना, सबसे सुचालक धातु बोला जाता है वो है चांदी। चांदी सबसे सुचालक होता है ना, ठीक है। एक चीज और देखते हैं, दो कंडीशन आपने देखा था अभी, अब हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध की कल्पना करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है, इसे हम दिखाते हैं रो से, है ना, ठीक है। देखिए अभी हम पढ़े थे कि चालक का अगर हम प्रतिरोध वो लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध उसका बढ़ता है, है ना। एक कंडीशन तो ये हुआ था, और एक कंडीशन ये हुआ था कि अगर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो R प्रोपोर्शनल L बाई A लिख सकते हैं, ठीक है। किसी चालक की लंबाई क्षेत्रफल ये आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे R के स्थान पर एक कांस्टेंट आता है, ये जो प्रोपोर्शनल हटेगा उसकी जगह पे एक नियतांक आता है L बाई A। ये जो आ रहा है आपका रो, ये जो रो आया हुआ है यही किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, होता है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, जो प्रतिरोध का मात्रक है वो होता है ओम, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर हो गया। एक और अच्छी बात है इसके लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का आंकिक मान,
आंकिक मान अलग अलग पदार्थ के चालकों के लिए अलग अलग है ना, तथा निश्चित होता है, निश्चित होता है, याद रहेगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। अब एक चीज और समझना चाहे तो समझ सकते हैं, जैसे सिल्वर का विशिष्ट प्रतिरोध, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध, एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध, टंगस्टन का विशिष्ट प्रतिरोध, निकिल का विशिष्ट प्रतिरोध और आयरन का विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ देखिए कि सिल्वर के लिए जो रो का मान है 1.6 × 10⁻⁸ है, बहुत कम। कॉपर के लिए जो है वो है आपका 1.6 × 10⁻⁶, ये थोड़ा ज़्यादा है। ये एल्युमिनियम के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है 2.63 × 10⁻⁸, जो टंगस्टन के लिए है वो है आपका 5.20 × 10⁻⁸। ये जो निकिल के लिए है विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मान है 6.84 × 10⁻⁸, और इसके लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 1 × 10⁻⁷ है ना। ये देखिए सब धातुओं के विशिष्ट प्रतिरोध हैं, इनका मान कितना कम है, ठीक है। अगर वही हम उसके लिए ले लें, कॉन्स्टेंटन के लिए और मैग्नीन के लिए, कॉन्स्टेंटन के लिए ले लें, मैग्नीन के लिए ले लें, या फिर नाइक्रोम के लिए लेते हैं, समझते हैं इसको। तो इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उनको देखिए, जो नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध है वो है 1 × 10⁻⁴, मैग्नीन का 4.4 × 10⁻⁴, सॉरी ये 5 है, 5 होता है। और इसके लिए अगर हम देखें तो 5 के करीब होता है, 4.9 × 10⁻¹। ये सब ओम मीटर में है, ठीक है ना, ये सब ओम मीटर होते हैं, इनका प्रतिरोध का मात्रक है ये, विशिष्ट प्रतिरोध का, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। अगर इसी तरह अगर हम लोग और जैसे चीज़ों को देखें, अर्धचालक का, तो अर्धचालक का मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, जैसे सिलिकॉन का विशिष्ट प्रतिरोध आपका जो होता है वो है 2300, ये इसके रो का मान होता है, ठीक है। चलिए इतना बहुत है आपके लिए, फिर अगली बार हम लोग कुछ और देखेंगे।